हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज 5 जून 2020 है और आज हम आपको बताएंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज की कुछ खास खबरें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में बहुत सारे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे नामी ग्रामी इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उनका क्या इन्वेस्टमेंट है और इन सबका क्या इफेक्ट होने वाला है इस पूरे मार्केट पर, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इस डिस्कशन को हम देखेंगे कि न्यूज़पेपर्स में क्या छप रहा है और इन सब का इफेक्ट जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर प्राइस पर किस तरह से पड़ रहा है। दोस्तों, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो रिलीज हो वो आप तक सही समय पर पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अखबारों में छपी हुई खबरों के बारे में। तो सबसे पहली खबर ये है कि आज रिलायंस जियो ने अपनी छठी बड़ी डील को क्रैक कर लिया है और इसमें अबू धाबी का फंड माबुडाला ने 1.85% स्टेक खरीद लिया है। अबू धाबी की एक सरकारी कंपनी है और इसने 9,093 करोड़ रुपए जियो प्लेटफॉर्म के लिए इन्वेस्ट किया है और इसमें जो इसका इक्विटी पोर्शन है वो है 4.9 लाख करोड़, और जो इसकी गुडविल आप कह सकते हैं कि एंटरप्राइज वैल्यू जिसे कहते हैं वो है 5.16 लाख करोड़। तो ये इन्वेस्टमेंट के बाद में मुबादला के पास 1.85% स्टेक हो जाएगा जो कि उसको उसके शेयर्स में कन्वर्टेड हो जाएगा। अब हम जो रिलायंस जियो के इन्वेस्टमेंट है उनके बारे में और जानेंगे। 3 स्टेप्स में हम इसको डिस्कस करेंगे, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यह है कि ये रिलायंस जियो की एक मनी रेजिंग एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज में अब तक इसने 87,836 करोड़ रुपए का फंड जुटा लिया है और इन इन्वेस्टर्स में फेसबुक, सिल्वर लेक, विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, जंगल एटलांटिक, केकेआर, मुबादला, ये सारे इन्वेस्टर्स हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इन्वेस्टमेंट इन्होंने केवल 6 हफ्ते के अंदर जुटा लिया है। तो आप कह सकते हैं कि जियो इन्फोकॉम, जिसने कि लगभग 18.97 का अपना स्टेक बेच दिया है और ये जो स्टेक बेचा है वो एक जबरदस्त फंड रेजिंग डील्स के तहत बेचा है। अब हम बात करते हैं कि फेसबुक ने कितना लिया है। सबसे बड़ा इन्वेस्टर है फेसबुक, इसने 9.9% स्टेक लिया है और उसने 43,574 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं इसने, और ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि फेसबुक ने ये इन्वेस्टमेंट 2014 के बाद में किसी भी बड़ी कंपनी में पहली बार इन्वेस्ट किया है। तो फेसबुक ने 6 साल के बाद में किसी बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट किया है। हम जानते हैं सारा डिटेल इस इन्वेस्टमेंट का जो कि 87,836 करोड़ है। फेसबुक ने 22 अप्रैल को 43,574 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया 9.99% इन्वेस्टमेंट के साथ। सिल्वर लेक ने 3 मई को किया 5,656 करोड़ इन्वेस्ट करके 1.15% इक्विटी इसमें ली है। विस्टा ने 8 मई को किया है, इसने 11,367 करोड़ रुपया दिया है और 2.32% इसने इक्विटी हासिल की है। जनरल एटलांटिक ने 17 मई को 6,598 करोड़ इन्वेस्ट किया है 1.34% इन्वेस्टमेंट के साथ, और केकेआर ने 22 मई को किया है 11,367 रुपए इन्वेस्ट करके 2.32% इक्विटी हासिल की है, और मुबादला ने 5 जून यानी कि आज 9,094 रुपए इन्वेस्ट किया है जिसने की 1.85% की इक्विटी हासिल कर ली है। तो इस प्रकार से रिलायंस जियो की 18.97% इक्विटी अब तक फंड रेजिंग के थ्रू रिलायंस ने कलेक्ट कर ली है जो कि है 87,836 करोड़। अब हम देखते हैं इसके जो इम्पैक्ट है कि शेयर प्राइस पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो हम देखेंगे। तो ये देखिएगा, यहां पर कुछ खबरें निकल के आ रही हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी अभी एक खबर और आई है मार्केट बंद होने के बाद में, ये वीडियो मैंने रिवाइज किया है रात को 11:52 पर, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि सिल्वर लेक ने
4,546 करोड़ रुपए और लगाए हैं, माने कि ये जो मैंने अभी आपको बताया था 87,836 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जो अब तक हुआ है उसके साथ ये 4,546 करोड़ रुपया और जुड़ गया है और 92,202 करोड़ रुपए अब तक इन्वेस्टमेंट हो चुका है इसमें, और इस प्रकार से 19.9% की इक्विटी फंड रेजिंग के थ्रू हासिल हो चुकी है। ये भी आप देखिएगा दूसरी खबर, ये जो कि लाइव मिंट में छपी है कि 4,547 करोड़ के साथ में सिल्वर लेक ने सेवेंथ डील की है, तो ये इसकी सेकंड डील है सिल्वर लेक की, पहली ये ऑलरेडी कर चुका था। यहां पर आप जो प्राइसेस देख रहे हैं ये सुबह जो मैंने रिकॉर्ड किया था ये उस वक्त के प्राइसेस हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के, जो कि लगभग 1600 के करीब ट्रेड कर रहा है, 1597 रुपए के करीब ये ट्रेड कर रहा है और इसने एक अच्छा खासा मूव आज बनाया हुआ था। अब हम ये देखते हैं कि आगे कौन कौन से इन्वेस्टर्स इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो जो खबरें आ रही हैं वो आ रही हैं कि माइक्रोसॉफ्ट और ट्विटर जैसे लोग भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये एक काफी बड़ी डील होगी क्योंकि ऐसी खबर आ रही है कि रिलायंस जियो नास्डाक में लिस्ट करने वाला है और इसके लिए उसको नामी गिरामी इन्वेस्टर्स की जरूरत पड़ेगी, तो ये एक बहुत बड़ा ब्रांड बनेगा और इससे रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स को भी फायदा होगा। यहां पर आप देखेंगे कि मैंने यहां पर आप जो प्राइसेस देख रहे हैं वो सुबह के प्राइसेस हैं लगभग 10:35 पर जब मैंने इस वीडियो को बनाया था, हालांकि मैंने वीडियो को रात को 12 बजे इसको मैंने अपडेट भी किया है, तो ये प्राइसेस आप देख रहे हैं। और यहां पर और खबरें निकल के आ रही हैं कि शाम को जब मैं इसका जब एनालिसिस किया तो आप देखिएगा कि 1617.70 रुपए के साथ में रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो शेयर है उसमें रिकॉर्ड हाई बनाया है। ये देखिएगा आप इसमें लिखा हुआ है कि शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज टुडे हिट ए रिकॉर्ड हाई व्हेन इट रोज ओवर 2% टू 1617.70। तो आप देख सकते हैं कि एक जबरदस्त उछाल इस शेयर में आज आया है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपने जो समय इस वीडियो को देखने के लिए दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा।